नमस्कार, मैं संध्या सिंह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ अपने 35वें दिन के अनुभव को लेकर, एक्सपीरियंस को लेकर। वैसे आप लोगों को हो सकता है ये लग रहा हो कि बिल्कुल एक जैसा और थोड़ा सा ही कुछ कुछ बदलाव। जी हाँ, ये ऐसा ही है, बस इसमें पेशेंस यानी धैर्य की ज़रूरत है। जो लोग कर रहे हैं मेरे साथ और जो लोग आज पहली बार देख रहे हैं, तो उनको हो सकता है ये जो वीडियो है, ये इन्फॉर्मेशन बड़ी एडवांस्ड लगे। अगर ऐसा है तो आप मेरे पिछले वीडियोस में पहले वीडियोस से शुरू करें, और जहाँ मतलब 34 वीडियो हैं, जहाँ आपको लगता है कि यहाँ से आई एम कंफर्टेबल, मैं यहाँ से कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, वहाँ से शुरू करिए। जिसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। तो जैसा मैंने बताया, आज 35वां दिन। तो देखिए, क्रिया योग का अभ्यास तो मैं कर रही थी, काफ़ी टाइम से कर रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा, मैंने कई वीडियोस बनाए इससे पहले भी, पर इस बार मैंने सोचा कि कुछ ऐसा करा जाए कि हम सब एक साथ चलें। और इसीलिए मैंने सोहम के साथ, अभी तक मैंने सोहम के साथ नहीं किया था, तो मेरे लिए भी एक नया जो तरीका रहा, तो सोहम के साथ मैंने करने का निश्चय किया और सोचा कि हम सब जिससे कि शुरुआत से शुरू करें। हाँ, इसलिए मैंने करा कि एक 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 एक, क्योंकि कई लोग बोलते थे ये चीज़ समझ नहीं आई, जैसे मुझे भी लगता था हाँ ये थोड़ी ज़्यादा एडवांस हो गई, तो इसलिए मैं नए तरीके, बिल्कुल नए फ्रेश तरीके से हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो जैसा मैंने आपको बीच बीच में थोड़ी थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देती जाती हूँ, तो उसी में हमने सीख लिया है कि किस तरह से अपने लंग्स को पूरी तरह से इसको भरना है और खाली करना है, इन्हेलेशन, सांस लेना है, और किस तरह अपनी पोजीशन लेनी है, ये सब हम करते जा रहे हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको पूरा जो वो है, बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से आप कैसे कैसे कर सकते हैं, मींस कितना कितना टाइम आप कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं और कब तक करना है, उसके बाद हम एक एक, एक स्टेप को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आपने अपने कपड़े देखे जो बिल्कुल कंफर्टेबल हों। जैसे किसी ने मुझसे बताया कि उसको बहुत ठंड लगती है, तो पहले से आप इसका वो करें, इंतज़ाम करें कि कपड़े पूरे पहने हों, हाँ, कि आपको ठंड ना लगे। हाँ, और लगने लगती है, जी हाँ, जब आप शांत होते हैं तो आपको बेहतर मतलब ठंड ज़्यादा लगती है, लग सकती है। तो अब जैसे आपने बिल्कुल कपड़े कंफर्टेबल कर लिए, फिर पोजीशन कंफर्टेबल करिए। जैसे मैं लेट कर करती हूँ, उसमें मैं घुटने मोड़ लेती हूँ। घुटने, हो सकता है आप किसी तकिए के ऊपर पैर रखना पसंद करें, अपने घुटनों के नीचे तकिया रखना चाहें, मतलब ये है कि आप ऐसे कंफर्टेबल हों कि आपका शरीर रिलैक्स रहे। आपका पेल्विक एरिया है ना, जो कूल्हे वाला जो जोड़ है, वो पूरी तरह से ऐसे खुला रहे, आपकी चेस्ट खुली रहे, ये होता है। टाइम आप अपनी चॉइस का ले सकते हैं, जब आप बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो, शांत रह सकें। और दूसरा है, जगह भी आप अपनी चॉइस से लें और एक ही जगह लें, जिससे आपको हर बार जगह के साथ एडजस्ट ना करना पड़े। तो ये सारी चीज़ें हो गई, आप कंफर्टेबल हो गए, टाइम भी आपने सेलेक्ट कर लिया, जगह भी सेलेक्ट कर ली, पोजीशन भी सेलेक्ट कर ली। आप पद्मासन, वज्रासन, सुखासन, चेयर पर बैठकर कैसे भी कर सकते हैं। चेयर पर इस तरह से बैठकर कि भाई आपकी पीठ रहे, गद्दी के ऊपर बैठकर, जैसी आपकी मर्जी। अब मैं, जो हमने सिखाया है कि किस तरह से आपको सांस लेना है, तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं, इसको अगर हम योग के हिसाब से देखें तो उज्जयी प्राणायाम बोला जाता है। इसके लिए जब हम पूरी तरह से लेट गए और अपनी चेस्ट को ओपन कर लिया, और तब हमें अपने हथेली को शवासन या अपनी थाइस पर भी रख सकते हैं, और इसमें हमारा पेट बाहर नहीं आना है, ना सांस भरते समय
छोड़ते समय तो चलो नहीं आता है, और शुरुआत हमेशा सांस छोड़ने से करनी है। और कोई जोर नहीं लगाना, आराम से सांस छोड़नी है, धीरे 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 आप सांस छोड़ते जाएंगे, और उसके बाद छोड़ते जाएंगे, छोड़ते समय आपका ध्यान जो है यहाँ रहेगा, और बट छोड़ते जाएंगे छोड़ते जाएंगे छोड़ते जाएंगे, और भरते समय आप नीचे से लंग्स के बेस से भरेंगे। आपका ध्यान पूरा लंग्स पर रहेगा कि दोनों लंग्स कौन सा ज़्यादा कौन सा कम भर रहा है, कौन सा कम खाली हो रहा है, बिल्कुल शांत स्वर से उसको सिर्फ वॉच करना है, ठीक है। उसमें आप जैसे टीवी वॉच करते हैं ठीक उसी तरह अंदर वॉच करना है, कि आपको कुछ उसमें करना नहीं है, सिर्फ पैसिव तरीके से देखिए और वो खुद ब खुद आपका इम्प्रूवमेंट होता जाता है। टीवी में नहीं होता, पर आपको मैं वॉच करने का तरीका बता रही थी। तो अब ये वाला जो प्रोसीजर है जिसमें आप अपनी सांसों पर ध्यान देंगे, दोनों लंग्स पर ध्यान देंगे, सांस भरते समय आप बेस से आपका जो लंग्स का बेस है उससे शुरू करेंगे, पेट आपका सांस भरते समय अंदर ही रहेगा, और जब सांस आप भर लेंगे और सांस भरते समय नीचे से और सांस छोड़ते समय यहाँ से ऊपर से, शुरुआत हमेशा सांस छोड़ने से करेंगे, हाँ, तो सांस छोड़ते जाएंगे छोड़ते गए, और फिर हम जब बिल्कुल तो पैसिवली अपने आप वो सांस अंदर जाएगी, उसमें भी जोर नहीं लगाना है। सांस छोड़ते समय ये वाली ध्वनि आती है, अपने आप आती है, अगर नहीं आती है तो सुनने का प्रयास करिए, पर कोशिश मत करिए कि हाँ पर सारा ध्यान चला जाए, शुरुआत में हमने कर ली है अब हमें पता है। और सांस भरते समय सा की ध्वनि आती है, तो ठीक इसी तरह से 15 से 20 मिनट आप इस तरह से अपने लंग्स को पूरी तरह से फंक्शनल यानी एक्टिव कर लीजिए, उसमें चेतना ले आइए। अब जब आपके लंग्स, उससे ज़्यादा समय भी लग सकता है, हो सकता है आपके लंग्स में थोड़ा सा ब्लॉकेजेस हो, मुझे जैसे ज़्यादा लगता है और लगता था मुझे, आधा घंटे से भी ज़्यादा लग जाता है और कई बार उससे भी ज़्यादा, जैसा होता है वैसा करती हूँ, तो जब ये लगता है कि मेरे लंग्स अब पूरी तरह से मुझे अड़चन नहीं दे रहे और भर रहे हैं, खाली हो रहे हैं और मैं अच्छे से सांस ले रही हूँ, गहरी है, तो आप उसको इच्छा अनुसार अपने टाइम को, टाइमर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ आप बताएंगे कि आपके लंग्स अब सही से हो गए। उसके बाद हम ध्यान देंगे अपनी टेल बोन के आगे, यानी पूंछ वाली हड्डी जो तिकोनी सी होती है उसके आगे, हमारा कुंडलिनी की जगह मूलाधार चक्र कुंडलिनी है, मूलाधार चक्र से भी आगे है कुंडलिनी, उस पर ध्यान देते समय आप सांस भरते समय उस पर ध्यान देते जाइए, और सांस और छोड़ते समय यहाँ से, और शुरुआत हम कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरुआत हमेशा छोड़ने से शुरू करना है और अंत हमेशा सांस भरने से करना है, प्राणायाम कोई भी हो। तो आप सबसे पहले जब सांस छोड़ना शुरू किया, शुरू किया और फिर आपने सांस जहाँ पर आपने छोड़ना तक पहुँचे वहाँ से सांस भरना शुरू कर दिया। अब इसके बाद इसको भी आप तब तक करिए जब तक आपको फ्लुएंसी यानी नेचुरल तरीके से ऐसा ही नहीं होने लगता। अब इसके बाद एक और स्टेप आ जाए, 20 मिनट भी हो सकते हैं, आधा घंटा भी हो सकता है, ये आपके अगेन आपकी अपनी क्षमता और वो है। तो अब हमने जब हमने फिर से हमने सांस छोड़नी शुरू करी और हाँ की ध्वनि सुनने का प्रयास किया, और जब सांस छोड़ते गए फिर हम 1 या 2 सेकंड से शुरू करेंगे और 15-20 सेकंड भी चला जाएगा अपने आप, आप जोर मत लगाइए। फिर जब आप छोड़ते गए उस समय आप अंदरूनी जहाँ पे बेस है वहाँ पर इनहेल और एक्सहेल करेंगे, लेकिन वो इनहेल और एक्सहेल एक्चुअल नहीं होगा, वो एक तरह से फेक होगा। उस जगह पर जैसे आपने वैक्यूम की जैसे ना उसको इनहेल किया एक्सहेल किया, कोई आना जाना नहीं है बाहर से, या है भी तो थोड़ा बहुत है अपने आप, लेकिन हमने कुछ ऐसा नहीं किया। और जब हम लगेगा अपनी इच्छा अनुसार 1 बार 2 बार 3 बार, उसके बाद हम
सांस भरना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको करते जाइए। फिर इसको भी आपने जैसे फिर थोड़ी देर रिलैक्स किया, उसके बाद फिर अब आपको क्या करना है, अब आप देखेंगे आपकी जो शरीर है पूरी तरह से तैयार है। अब हमें जब हम सांस छोड़ते गए, फिर यहाँ से शुरू किया और यहाँ से हम लेना शुरू करेंगे, तो अब हमारे दो पॉइंट बन जाएंगे, एक यहाँ और एक हमारा कुंडलिनी। तो सांस भरते समय वहाँ ध्यान, सांस छोड़ते समय यहाँ ध्यान, बीच में हमें ध्यान कुछ नहीं है, अपने आप हमारा शरीर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो फिर ये हमें एक वेव जैसी बीच में महसूस होती है, जैसे सांस छोड़ते गए, ठीक है, यहां भरने से शुरू करा, फिर इनके बीच में एक अदृश्य कांटेक्ट बनता है। लेकिन उसकी वेव्स कई बार महसूस होंगी, कई बार नहीं भी होंगी, चिंता मत करिए। कई बार ऐसा होता है कि एक बार महसूस हुई और एक बार नहीं हुई, और इसके साथ साथ कुछ और अनुभव भी होते हैं। जैसे कभी मुझे होता है, आज भी हुआ, कि एक रोशनी जैसे ब्लू बहुत खूबसूरत चमकीली रोशनी दिखती है, फिर नहीं दिखती है, ऐसा होता है। अच्छा, मैं जहाँ पर भी लगता है मुझे कि मुझे कोई कंफ्यूजन है या कोई चीज़ नहीं मुझे कर पा रही हूँ, तो मैं सिर्फ और सिर्फ महाअवतार बाबा जी को बोलती हूँ, कृपया मेरी मदद करें। और जब आप ये काम करेंगे तो आप शुरुआत में देखेंगे कि जब आप सांस भरते हैं तो आपका जो पेल्विक एरिया का जो स्किन है वो ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाता है ना, क्योंकि सांस भर रहे हैं तो वो उसमें मूवमेंट चालू हो जाती है। और सांस छोड़ते समय आप देखेंगे कि एक वेव जैसी महसूस होती है सांस छोड़ते समय, जैसे कि कुछ उठ के ऊपर जा रहा है, सांस आप छोड़ रहे हैं और नीचे से कुछ उठ के ऊपर जा रहा है। जी हाँ, चेतना यानी कुंडलिनी, है ना। तो बीच बीच में ऐसा होगा और ये लंबा समय रहने वाला है, और मैं चाहती हूँ एटलीस्ट आप लोग अगर अभ्यास कर रहे हैं, मैं तब तक इस चीज़ को आपके साथ, आपको बोरियत हो तो बता दीजिएगा, तो मैं थोड़ा आपको रोज़ के रोज़ एक्सपीरियंस नहीं शेयर करूँगी, कुछ और कर लूँगी फिर एकदम से, पर मुझे लगता है कि शायद सबको साथ साथ चलने से बेटर है। तो इस तरीके से हम इसका अभ्यास करते हैं। हाँ, स्टेप्स आपको पूरे बता दिए, हो सके तो आप अपना पेपर और पेन लेकर बैठिए और हर स्टेप को 2-3 दफ़ा इस वीडियो को देखिए, जिससे आप इसके स्टेप्स को फॉलो कर सकें। तो जब हम इस तरीके से करते हैं तो हमारा जो चैनल्स हैं वो खुल रहे हैं, है ना। जिस दिन पूरे खुल जाएंगे उस दिन ऑफकोर्स जो बड़े बड़े संत और महात्मा अनुभव कर चुके हैं वही हमें भी अनुभव होने वाला है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। नेचर कभी भी किसी को सबको बराबर देती है, जो जैसा जितना होता है उस हिसाब से। तो अब हम इसका अभ्यास जो है हमारा धीरे धीरे एडवांस्ड होता जा रहा है। जिन लोगों को थोड़ा लगता है कि एडवांस्ड है वो पीछे वाले वीडियोस पर जाकर देख सकते हैं। तो फिर मिलूंगी आपको, तब तक के लिए नमस्कार।